ओके सो प्लीज़ डोंट गिव अस होप अगेन, प्लीज़ डोंट गिव अस होप। पबजी मोबाइल इंडिया एक अलग टाइप का हाइप बना हुआ है इसको लेकर, तो इसको लेकर एक और अलग से एक न्यूज़ आ रही है कि ये क्या न्यूज़ है। और ये जो न्यूज़ है वो हम लोगों की तरफ से 100% श्योर नहीं है, किसी की तरफ से 100% श्योर नहीं है, वो बस उनके सोर्सेज जो होते हैं एक हार्ड प्रूफ सोर्सेज उनसे लिया है, कुछ चैनल्स की ये इन्फॉर्मेशन है और कहीं से इन्फॉर्मेशन लीक हुआ है और थोड़ा सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन लिया गया है कि पबजी मोबाइल इंडिया को लेकर फिर से एक चीज़ होने वाली है। वो चीज़ क्या है उसको देखते हैं हम लोग आगे। एक्चुअली इस वीडियो में है क्या कि इस पबजी मोबाइल इंडिया के बारे में बेसिक जो नॉलेज या इन्फॉर्मेशन इस बार जो हुई है करंट उसके अपडेट जो हुए हैं उसको लेकर, आने का नहीं आने का, तो वो अपडेट को लेकर ये वीडियो है। लायबल सोर्सेस के थ्रू ये पता लगा है कि पबजी मोबाइल क्राफ्टन गेमिंग और नॉर्डविन गेमिंग की इंडियन अथॉरिटीज़ और इंडियन कॉरपोरेशन से, मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट है बेसिकली, इसको हम आसान शब्दों में कह सकते हैं, उससे एक बात हो रही है। इसको लेकर एक फ़ाइनल मीटिंग होनी है और ये मीटिंग भी ऑनलाइन ही होगी, वर्चुअल मीटिंग होनी है और एक फ़ाइनल मीटिंग होनी है। एक और भाई मीटिंग तो अभी तक सारी फ़ाइनल हो रही है लेकिन देखते हैं ये मीटिंग कितनी फ़ाइनल रहती है। तो वो मीटिंग फ़ाइनल होनी है और उस फाइनल मीटिंग के बाद ही डिसाइड हो पाएगा कि क्या होना है। और ये मीटिंग का रिज़ल्ट एक हफ्ते के अंदर आपको डिस्क्लोज़ हो जाएगा कि क्या हुआ है इस मीटिंग में। और एक दो चीज़ें और एक नई पता चली है कि कोरिया पे इसको लेकर, मतलब पबजी मोबाइल ने अपना जो क्राफ्टन है वो एक्चुअली चाइना का है, तो उन्होंने अपने उस पे पेज पे एक बार एक उन्होंने डाला था कि एफ़ फॉर पबजी मोबाइल इंडिया। मतलब एफ़ मीन्स हम लोग इसका हाइप लगा सकते हैं कि एफ़ मीन्स क्या होगा, कुछ गलत सेंस में नहीं है, ये एफ़ मीन्स होगा फ्रीडम फॉर पबजी मोबाइल इंडिया। एक या एक तरह से कह सकते हैं कि इस गेम का नाम ही बदल दिया जाएगा, कर दिया जाएगा फ्रीडम अनोन बैटल ग्राउंड पबजी से, क्योंकि इंडिया में एक चीज़ है या कहीं भी हो गया गूगल के थ्रू कि अगर इंडिया में कोई ऐप बैन होता है तो उस ऐप वो तो ऐप जब दोबारा आएगा तो वो ऐप नहीं बैन हुआ, वो नाम ही पूरा बैन हो गया है, तो पबजी मोबाइल का वो नाम ही नहीं रहेगा अब। तो पबजी मोबाइल की जगह वो ऐप आ सकता है कि फ्रीडम पबजी फ्रीडम अननोन बैटल ग्राउंड या और भी करके कुछ आ सकता है, जब हिंट दिया है तो यही एक तरह के हिंट रहे हैं टोटल कि कहां से क्या उठाया गया है, कहां से क्या लाया गया है। ये हिंट सिर्फ चैनल के थ्रू लीक के थ्रू दिए गए हैं क्योंकि कई चैनल्स होते हैं जो अपना भाई कनेक्शंस बनाए रखते हैं ऊपर सोर्सेस से, वो अपने उसके थ्रू अपना इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं और तैयार करते रहते हैं। इस बारे में भी काफ़ी सर्टिफाइड चैनल्स ने और काफ़ी रिलायबल चैनल्स जितने भी हैं कर सकते हैं हम लोग, वो उनके थ्रू ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। अब ये देखना होगा कि ये मीटिंग कितना सक्सेसफुल रहता है और कितना नहीं रहता है, और उसके बाद ही फिर पता चल पाएगा कि हम लोग इस मीटिंग में कहाँ तक पहुँचे हैं और कहाँ तक निकला है। तो शायद से इस पबजी मोबाइल इंडिया का नाम चेंज करके फ्रीडम अननोन बैटल ग्राउंड रख दिया जाए या कुछ भी कर सकते हैं, पबजी की जगह हो सकता है पबजी, अलग ही सेंस आ रहा है इसका, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए बने रहें साथ में और आगे की अपडेट्स पबजी मोबाइल इंडिया को लेकर आते रहेंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों में ताकि और पता चल सके। बोनस चैलेंज जो इंडिया के बैन के बाद से हट गया था, तो वो बोनस चैलेंज की एक छोटी सी ट्रिक है, वो ट्रिक के बाद आपका बोनस चैलेंज वापस आ जाएगा, उसमें कोई आईडी बैन का कोई इशू नहीं है, कुछ नहीं होगा। इसलिए चैनल के साथ बने रहना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, तब तक आगे की इन्फॉर्मेशन जैसे ही कुछ अपडेट्स आता है तो उसके साथ भी हम बराबर आते रहेंगे। तब तक के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार करो और बस पबजी खेलते रहो।